आप ये मानकर चलिए कि थर्ड वेव आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है। यार दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है और हर गुजरते दिन के साथ वायरस का रूप और कहर बढ़ता जा रहा है। और अब फिक्र बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। कोरोना वायरस को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। साइंस एडवांसेस जर्नल में एक मॉडलिंग स्टडी में पता चला है कि इसका जोखिम बड़ों से बच्चों में शिफ्ट होने की आशंका है, क्योंकि SARS-CoV-2 आने वाले सालों में बाकी सामान्य जुकाम वाले कोरोना वायरस की ही तरह व्यवहार करने लगेगा, लेकिन वो छोटे बच्चे संक्रमित होने लगेंगे जिन्हें अभी तक टीका नहीं लगाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे संक्रमित होंगे और बड़ों के मुकाबले ज्यादा होंगे, लेकिन संक्रमण गंभीर नहीं होगा। कुल मिलाकर स्टडी के मुताबिक आने वाले सालों में धीरे धीरे कोरोना वायरस की गंभीरता कम होती जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए धीरे धीरे, और वो भी कुछ सालों में। मतलब ये कि अभी बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेफिक्री और लापरवाही का नतीजा है कि कोरोना का ग्राफ एक बार फिर 40,000 के पार है। तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है और इस खतरे का साया फेस्टिव सीजन की वजह से और भी गहरा गया है।